मेडिसिन और हेल्थ संबंधित जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिर्जा इसफाक के चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए नमस्कार आदाब मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट अशाक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर आज की वीडियो में बात करेंगे एक विटामिन कैप्सूल के बारे में जिसका नाम है बीकोसोल जानेंगे पूरा डिटेल कि यह कब यूज़ की जाती है क्या क्या साइड इफेक्ट है और कितनी डोज में लेनी चाहिए तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ बीकोसूल एक मल्टी विटामिन कैप्सूल है मल्टी विटामिन इसलिए क्योंकि इसमें कई सारे विटामिन के कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे बी वन बी टू बी थ्री बी सिक्स बी नाइन और बी ट्वेल्व होते हैं साथ ही विटामिन सी भी होता है इसे फाइजर लिमिटेड कंपनी बनाती है जो कि 20 कैप्सूल लगभग पैंतालीस रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है अब जानते हैं इसे लेने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जल में घुलनशील होता है जो कि हमारे त्वचा बालों तथा नाखूनों के लिए बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है विटामिन बी जिसे बायोटीन कहा जाता है जो बाल झड़ने की समस्या को रोकता है नाखूनों में भी इसका इस्तेमाल अच्छा देखा गया है अगर किसी के नाखून डल हो रहे हो या टूट कर गिर रहे हो तो तब भी इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है त्वचा से संबंधित समस्याओं में भी बिकोसुल फायदेमंद रहता है यह त्वचा के चमक को बनाए रखता है अगर मुंह में छाले पड़ गए हो तब भी बिकोसुल का अच्छा रिजल्ट दिखता है पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए भी बिकोसुल का यूज़ किया जाता है अगर मांसपेशियों में ऐठन हो या दर्द हो तब भी बीकोसल फायदेमंद होता है खून की कमी को भी बीकोसल दूर करता है क्योंकि विटामिन बी खून बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है जिससे कमजोरी थकान भी दूर हो जाती है अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में अक्सर इसके साइड इफेक्ट नहीं दिखते हैं फिर भी कुछ लोगों में कॉमन साइड इफेक्ट है जैसे सर दर्द दस्त होना या त्वचा में एलर्जी हो सकता है यूरिन और स्टूल का कलर चेंज हो सकता है बीकोसूल लेने से स्टूल का कलर काला तथा यूरिन का कलर पीला हो सकता है बात करें इसके डोज के बारे में तो एक कैप्सूल दिन में एक बार पानी के साथ दिया जाता है खाली पेट लेने पर अच्छा रिजल्ट मिलता है फिर भी खाली पेट लेने पर आपको कोई परेशानी हो रही हो तो इसे खाने के साथ लिया जा सकता है या डॉक्टर पेशेंट के ज़रूरत के अनुसार इसका डोज निर्धारित करते हैं ये थी डिटेल बीकोसुल कैप्सूल के बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद